नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के बिल्हापुर गांव का है, जहां गांव की एक महिला शोक सभा में शामिल होने गई थी। वहीं शोक सभा में पड़ोसी महिला भी शामिल हुई थी। पीड़ित महिला द्वारा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि जब वह शोक सभा से अपने घर जाने को खड़ी हुई कि इसी बीच उसका पैर धोखे में पड़ोसी महिला के बुरके पर रख गया, जिससे नाराज और उसी महिला ने पीड़ित महिला को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। लेकिन पीड़ित महिला ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कोई विरोध नहीं किया। इसके बावजूद भी दबंग महिला अपने घर आकर पीड़ित महिला को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, जिसका पीड़ित महिला ने विरोध किया। विरोध करने से नाराज दबंग महिला के परिजनों ने महिला के साथ मारपीट करते हुए उसके बुजुर्ग ससुर के साथ मारपीट की। जब पीड़ित महिला ने कोतवाली में शिकायत करने की बात कही तो अपना बचाव करते हुए दबंग महिला के परिजनों ने कोतवाली भोगनीपुर में प्रार्थना पत्र देते हुए मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। भोगनीपुर कोतवाली इंचार्ज बैजनाथ सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर मिली है, मामले की जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ रहने वाली है? आज कहाँ पे आई हैं आप? भोगनीपुर थाने में। अच्छा, किस बात को लेके आई हैं? लड़ाई झगड़े। कब हुआ था लड़ाई झगड़ा? लड़ाई कल शाम को हुई, 5 बजे। किससे हुआ, किस बात को लेकर हुआ था? हमारी सीना से हुई है और हमारी भाभी वहाँ फादिया में गई थी, सामने वाले घर में कार्यक्रम के लगे से, तो वहाँ गई तो जब वहाँ से उठ के आती हैं तो उनके दुबटे पे पैर रख गया। अच्छा, तो ये उन्होंने अंधी संधी जाने क्या किया बका, तो इन्होंने अपनी, किसने बका था? हसीना ने। हसीना के द्वारा सब शब्दों का प्रयोग किया गया। फिर और क्या हुआ? फिर भाभी हमारी घर पे आ गई अपनी गलती का एहसास करके, इसके बाद में अपने घर पे इन्होंने बताया, उनके लड़कों ने नाम ले लेके गालियाँ गंदी गंदी दी, गाली गुत्तारी करी, मारने को आ रहे थे। हसीना के परिवार के घर के लोगों ने आपके साथ गाली गलौज करते रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये हमारे भाई घर पे नहीं थे। अच्छा, तो आप लोग घर में, आप घर में उसमें कौन कौन था जब गाली गलौज कर रहे थे? हमारी दो नंदर, बूढ़ी माँ और हम और हमारे ससुर। अच्छा अच्छा अच्छा, किन किन लोगों ने मारपीट की है? इखलास ने, इखलास, इमामुद्दीन, इनोस। अच्छा, इन लोगों ने मतलब आपके साथ मारपीट की है। उसमें आप घर में कोई जेंट्स नहीं था? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो उनके द्वारा एक थाने में कल रात की प्रार्थना पत्र दिया गया है, मेरी जानकारी में है कि जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं उन्होंने आपके पहले कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर ये आरोप लगाया कि आप लोगों ने मारपीट की थी। नहीं, ये सब गलत है, उन्होंने हम लोग को मारा, धमकाया, सब कुछ करा। तो रात के आप रात में किस कारणवश नहीं आ पाई आप? अकेले की वजह से नहीं आ पाया, सुविधा नहीं थी क्योंकि हमारे पिताजी बूढ़े आ रहे हैं, उनके साथ कैसे आते। अच्छा, आज अपने पिताजी को लेके आप आई हैं तो आपने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है, तो क्या कहा पुलिस ने? जाँच करेंगे फिर देखेंगे। नाम है आपका? कहाँ रहने वाले हैं? अच्छा, आज आप कोतवाली भोगनीपुर आए हैं, किस बात को लेकर आए थे, किस बात को लेकर मारपीट की गई थी आपके साथ में? भाई, हमारी बहू गई थी पाता में, उनका पैर लग गया और मैं चुप पर चली आई, कुछ नहीं होकर घंटा भर के बाद जो वो माँ पदर, वो माँ पदर आवाज हमारे बाल पकड़। किसने मारपीट की थी आपके साथ? हमारे बाल पकड़ के दो तीन घूसे मारे। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कोतवाली में नहीं की थी क्या? हमको आता को हम अकेले से चल पाते नहीं। अच्छा, आप चल नहीं पाते, आपके बेटे थे नहीं थे क्या? ना, लड़कों में कोई नहीं था, हम अकेले थे और बहू थी। बहुएं थी आपके घर में? ये बहू है। अच्छा, नमस्कार, आप